नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एमपी स्पेशल के बारे में, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। याद रखिए, जो मध्य प्रदेश का पोर्शन है किसी भी परीक्षा में, फिर चाहे वो एमपीपीएससी हो, फिर एसआई हो, एमपीएसआई पुलिस वर्ग 3 हो, कोई भी परीक्षा हो, जो एमपी का पोर्शन है इससे वो कवर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग विषय सूची देख लेते हैं कि पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य एक परिचय देखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे राज्य पुनर्गठन के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे संभाग एवं जिले वार अध्ययन, संभागों को देखेंगे और सभी जिलों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, डीपली से। फिर जनांकिकीय परिदृश्य देखेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे जल संसाधन। फिर उसके बाद बात करेंगे सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। फिर मृदा पर मृदा संबंधित देखेंगे तत्व। फिर जलवायु, ऋतु, वर्षा से संबंधित जो तथ्य हैं वो भी देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो उद्योग व्यापार हैं उन्हें भी देखेंगे। ऊर्जा संसाधन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ऊर्जा संसाधन के बाद हम लोग बात करेंगे कृषि परिदृश्य एवं पशु धन के बारे में। फिर बात करेंगे वन संपदा एवं वन्य जीव के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के बारे में बात करेंगे, अभ्यारण। फिर खनिज संपदा देखेंगे, ये सभी याद रखना मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। फिर परिवहन देखेंगे। फिर देखेंगे संचार। फिर बात करेंगे शिक्षा के आयाम। फिर बात करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य। फिर जनजातीय परिदृश्य देखेंगे। फिर बात करेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। फिर बात करेंगे चित्रकार एवं रंगकर्मी। फिर बात करेंगे साहित्यकार। फिर देखेंगे संगीतकारों के बारे में। फिर पुरस्कार एवं सम्मान देखेंगे। फिर बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं, व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल। फिर ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे। फिर बात करेंगे खेल परिदृश्य के बारे में। फिर पंचवर्षीय कार्यक्रम देखेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। फिर मध्य प्रदेश एक दृष्टि में देखेंगे। याद रखिए समसामयिकी एवं विविध देखेंगे। याद रखिए हम लोग 2019 का मध्य प्रदेश का जितना भी करेंट अफेयर्स था वो सभी देख चुके हैं। तो याद रखिए मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में जाकर आप लोग देख लें। फिर हम लोग कल्याणकारी कार्यक्रम देखेंगे। फिर बात कर लेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, संशोधन 2016 में जो हुआ और 2018 में, उन्हें हम लोग देख चुके हैं। याद रखिए ये तीन चैप्टर हैं जो अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में बात कर चुके हैं। तो जाकर आप लोग देख लें मध्य प्रदेश स्पेशल के नाम से या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची हुई उसी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तीनों बहुत ही सरल शब्दों में बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, फिर बात करेंगे विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए मध्य प्रदेश से संबंधित, उन्हें देख लेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं वो याद रखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी स्पेशल के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, वहाँ जाके देख लें। ठीक है, कल से हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सामान्य परिचय की मध्य प्रदेश की अपडेटेड। ठीक है, कितनी तहसीलें हैं, कितने जिले हो गए, पूरा अपडेट देखेंगे। ठीक है,